नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। हरिद्वार देहरादून राजमार्ग पर नेपाली तिराहे के पास बन रहे टोल प्लाजा का चौतरफा विरोध हो रहा है। आज सर्वदलीय संघर्ष समिति ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतले को आग के हवाले किया। डोईवाला के लच्छीवाला के बाद अब दून हरिद्वार मार्ग पर नेपाली तिराहे के पास टोल प्लाजा बनाया जा रहा है, जिसका चौतरफा विरोध भी होने लगा है। रायवाला के सत्यनारायण मंदिर में सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसे संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर सिंह सजवान ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जगह जगह टोल प्लाजा बनाकर जनता के साथ लूटमार की जा रही है। पौड़ी जिले के बैंगवाड़ी गांव में आमसेरा क्षेत्र के पास आज सुबह 3:30 बजे के करीब बादल फटने की घटना हुई। दरअसल बीती रात पौड़ी में मौसम खराब था, जिससे आसमान में तेज गड़गड़ाहट के साथ आज सुबह करीब 3:30 बजे आमसेरा के पास बादल फट गया। इस घटना की सूचना ग्रामीणों ने प्रशासन को दी, जिस पर मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने पूरी घटना का जायजा लिया। इस घटना में पौड़ी श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी मलबा और बोल्डर आ जाने की वजह से हाईवे करीब 4 घंटे बाधित रहा, जिसे प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद खोल दिया। वहीं घटना में 2 गौशालाएं भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके अंदर 3 गायें थी जो मलबे में दब गई। काफी मशक्कत के बाद 3 गायों को रेस्क्यू कर बचा लिया गया। वहीं प्रशासन को 1 कार के क्षतिग्रस्त होने की सूचना और 2 स्कूटी के दबने की सूचना भी मिली थी, जिस पर खोजबीन जारी है। वहीं प्रशासन के कहना है कि पूरी घटना का आंकलन किया जा रहा है, कि साथ ही जल्द से जल्द रिस्टोरेशन का काम शुरू कर दिया जाए। कारण तो हम कैसे बताएं कि कारण क्या था, ये दैवीय आपदा है। लेकिन रात में लगभग 3:30 बजे की बात है कि मुझे गांव से किसी बच्चे का फ़ोन आया कि बहुत तेज़ आवाज़ आई, और बारिश तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अचानक से जो हमारा जंगल का गंदरा है वहाँ से बादल फटे और मेन रोड जो श्रीनगर जाने वाली रोड पर पहुँचे, वहाँ पर हमारे 4 या 5 परिवार रहते हैं, उनकी गौशालाएँ हैं, कुछ गाड़ियों की भी एक स्कूटी तो गांव की बच्चों की मदद से हमने अभी निकाल ली है, और एक अभी गदरे में, लेकिन शासन प्रशासन भी ठीक समय पे यहां पे पहुंच गया था। ये एक बड़ी आपदा थी जो कि बिना किसी इंसानी क्षतिपूर्ति के निपट गई, इसके लिए हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, और जिला प्रशासन से गुहार लगाई जाएगी कि जो भी मुआवजा उचित जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको दिया जाए, और अभी नुकसान का आकलन किया जाएगा। अभी तो फिलहाल मार्ग को खोलने की कोशिश की जा रही है प्रशासन द्वारा, इसके बाद नुकसान का आकलन किया जाएगा, और तत्पश्चात हम प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि इनका उचित मुआवजा दिया जाए। और मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ उन जनप्रतिनिधियों का, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे जो इस समय सुबह यहाँ पहुँचे, जल्दी यहाँ पहुँचे और इस आपदा की घड़ी में लोगों के बीच उपस्थित रहे। लालकुआ हल्द्वानी में पूर्वी मंडल के अध्यक्ष दिनेश खुलबे ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य सरकार कोरोना महामारी को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुखिया तीरथ सिंह रावत द्वारा गांव में टेस्टिंग टीम भेजकर लोगों की कोरोना की जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की पहल थी कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग उनकी हो सके, साथ ही उन्होंने कहा कि इससे कोरोना में भी काफ़ी कमी आई है। सबसे अच्छा काम तो इस राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा किया जा रहा है। जिस तरीके से वो गांवों की चिंता कर रहे हैं, गांवों में कोविड टेस्टिंग की टीमें जा रही हैं और अलग अलग स्थानों पर परिवार पूरे पूरे परिवारों का जिस तरीके से वो टेस्टिंग कर रहे हैं, यह एक सकारात्मक कार्य है। इससे कोरोना नियंत्रण में फ़र्क भी पड़ा है, और मोदी जी का भी यही था कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए, और उस बात का पालन करते हुए इस राज्य में ये सरकार टेस्टिंग को निरंतर बढ़ा रही है, लोगों को सुविधाएं दे रही है, भोजन वालों को भोजन की व्यवस्थाएं कर रही है। बढ़ती महंगाई और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में आज 1 दिवसीय उपवास किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कोविड काल में सरकार प्रदेश के अंदर व्यवस्था बनाने में नाकाम साबित हो गई है। आम आदमी को खाने पीने से लेकर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी चीज खरीदने में महंगे दाम पड़ रहे हैं, और वो किसी से सवाल भी नहीं कर सकता। कालाबाजारी होने के चलते भी सभी चीजें हो गई है, जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। वहीं विपक्ष लगातार बढ़ती महंगाई और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहता है। विपक्ष लगातार जनता की आवाज बनकर सड़क से लेकर सदन तक राज्य और केंद्र सरकार को जगाने का काम कर रहा है।
बढ़ी क्योंकि मनमाने दाम लेने के लिए उनको छूट मिल गई। इंजेक्शन वगैरह जो सरकार दवाएं थी जो जरूरी थी जीने के लिए जरूरी थी उनके मिलने में भी ये कठिनाई आई, उनके दाम भी दो गुने और तीन गुने लिए गए, उसके बाद उपलब्ध नहीं। तो इस समय महामारी के समय में ब्लैक मार्केटिंग रोकने में फेल हुए, सामान उपलब्ध कराने में फेल हुए। ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस, ये सब हम लोग अखबार में पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। तो यदि कोई व्यवस्था फेल होती है तो पूरी तरह से भारत सरकार और राज्य सरकार जिम्मेदारी होती हैं, और ये जनता को भी समझना है और हम सबको मिल के समझाना है। हरिद्वार के सिडकुल थाना से स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनी में हुई कर्मचारी की हत्या का थाना सिडकुल पुलिस ने कुछ ही घंटों में सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि कंपनी के एचआर हेड देवेंद्र सिंह रावत ने थाने में पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनकी कंपनी में कार्यरत अखिलेश कंपनी के अंदर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 302 हत्या का मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी थी। तभी आला अधिकारियों को निर्देश पर उक्त घटना का शीर्ष अनावरण करने किए जाने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में थाना स्तर पर घटना के अनावरण के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई थी। सीसीटीवी फुटेज में कंपनी के अंदर से मृतक अखिलेश के साथ अन्य एक संदिग्ध व्यक्ति घटनास्थल की ओर जाते हुए दिखाई दिया, जिस पर गहनता से छानबीन करने पर मृतक का चचेरा भाई उपेंद्र कुमार की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिससे विस्तृत पूछताछ करने पर उपेंद्र ने बताया कि वो मृतक अखिलेश के साथ रावली महदूद में किराए के कमरे पर रहता था और मृतक अखिलेश द्वारा उपेंद्र कुमार को उधार दिए हुए 10,000 रुपये भी वो वापस मांगने और कमरे में काम करने को लेकर दोनों के बीच आए दिन कहासुनी और गाली गलौज होती रहती थी। इसी वजह से आज प्रातः कंपनी में दोनों के बीच उक्त पैसों को लेकर कहासुनी होने पर उपेंद्र द्वारा मौका पाकर अखिलेश को कंपनी के चिल्लर रूम में बुलाकर उसके सर पर लोहे की रॉड से हमला कर घायल कर दिया गया, जिससे अखिलेश की मृत्यु हो गई। सिडकुल थाने में कल सुबह लगभग 10 बजे हमारा थाने में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का ब्रॉड डेड हुआ है सरकारी हॉस्पिटल में, हरमिला हॉस्पिटल में जो है। तत्काल रूप से मौके पर पंचायतनामा वगैरह भर कर जो है फिर थाने में जो जांच करने में जो है उनका भाई जो है उसका आरोपी निकल गया है, उसको गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई किया गया। भगवानपुर थाना पुलिस ने जहाजगढ़ में 21 मई को हवाई फायरिंग करने वाले मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि थाना भगवानपुर में जहाजगढ़ निवासी सचिन कुमार ने उनके घर पर तमंचा लहराकर जान से मारने की नियत से फायर करने और जान से मारने की धमकी देने में 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस द्वारा 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। वहीं फरार चल रहे मुख्य आरोपी अक्षित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी ने बताया कि हवाई फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कब्जे से अवैध तमंचा बरामद किया गया है। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। साथ ही इनके आपराधिक इतिहास की समीक्षा करने के बाद इनके विरुद्ध गैंगस्टरों की कार्रवाई भी की जाएगी। जो घटना हुआ है इसका जो मुख्य अभियुक्त अक्षित जो है इनको गिरफ्तार कर दिया गया है। इसका 315 बोर का एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस हमने रिकवर किया है। इनका आगे कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय के माध्यम से जुडिशियल डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।